पाकिस्तानी सेना के सहयोग से घाटी में किस प्रकार से आतंकवादी तैयार होते हैं। आप लोग जैसे देखिए, ये आतंकवादियों का कैंप है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, और यहाँ पे मसूद अजहर जो कि मुख्य सरगना है, इसके साथ मुश्ताक अली, शाहिद खान और इनका भाई निशार खान, इसके अलावा तमाम आतंकवादी प्रशिक्षण कर रहे हैं। आगे का दृश्य आप लोग देखिए, किस प्रकार से लोग भारत में कोहराम मचाते हैं। साथियों, आज आतंकवादी प्रशिक्षण का यह सातवां दिन है, और आप सबको यह पता हो गया कि आपका मंसूबा क्या है, हमारा मंसूबा क्या है, और हमारी हुकूमत की मंसूबा क्या है। यह सब इतना तो यकीन हो ही गया होगा कि हमारी हुकूमत क्या चाहती है, और हम जब्बार खां क्या चाहते हैं। साथियों, जब मैं 11 साल का था तो मेरे अब्बा जान एक कहानी सुनाया करते थे, और वो कहानी थी हिंदुस्तान वालों ने जो पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की है, उसकी कहानी जब वो सुनाते थे तो मेरे अब्बा जान रोने लगते थे। तभी से मेरे सीने में आग धधक रही है, हिंदुस्तान के खिलाफ मेरे सीने में आग धधक रही है, और मैं आज तक करीब 15,000 आतंकवादी तैयार कर चुका हूँ, और ये तुम लोग जो आए हो प्रशिक्षण लेने जब्बार खां से, तो ये अपने अंदर विचार कर लो, यकीन कर लो कि मरने से खुदा खुश होगा, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करेगा तुम्हें जन्नत, और अगर किसी तरह से घिस घिस करके जियोगे तो उस जीने पर लानत है, लानत है। और मुसलमान चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे अमेरिका या चीन में हो, यदि वो मुसलमान है तो वो हमारे भाई हैं, भाई। बाकी जितने लोग हैं सब काफी हैं, और साथियों, काफिरों को हलाक करना ही हमारा मंसूबा है, मंसूबा। और एक बात और सुन लो, यदि काफिरों को हलाक करके तुम आते हो तो खुदा खुश होगा, और तुम्हें जन्नत नसीब होगी, जन्नत। और मैं जब्बार खां तुम्हारे परिवार को माला माल कर दूंगा, माला माल। तो सोच लो मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ, और जो मेरे आग मेरे सीने में धधक रही है उस आग से हिंदुस्तान को जलाकर दग कर दो। यही मैं चाहता हूँ, यही मेरा विचार है। बोलो, मर मिटने के लिए तैयार हो कि नहीं? हाँ भाई जान, तैयार है। तो ठीक है, करना यह है कि जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका देखो, भीड़ भाड़ के इलाके में टाइम बम ले जाके फिट कर दो, जहाँ 1,000-2,000 की आबादी हो, जहाँ भीड़ इकट्ठे रहे वहीं पे ले जाके टाइम बम लगा दो, और कम से कम 1,000 से कम व्यक्ति न मारे जाएं। और एक बात कान खोल कर सुन लो, चाहे महिला हो
या पुरुष, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, हमारे लिए काफिर काफिर है। हम केवल काफिरों को हलाल करना चाहते हैं। हलाल अल्लाह। तो साथियों, अब तुम्हारा प्रशिक्षण पूरा हो गया है। तुम्हें हम प्रशिक्षण केंद्र से लॉन्चिंग पैड जानते हो? लॉन्चिंग पैड किसे कहते हैं? लॉन्चिंग पैड वो है जहां से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। उस शिविर में तुमको हम भेज देंगे। तुम लोग तैयार हो? सब कुछ सीख लिए हो? बस लॉन्चिंग पैड पर जाओ और घुसपैठ करने के ताक में रहो। ठीक? हाँ भाईजान। ठीक है, तो हमारे मिशन को कामयाब करने के लिए एकजुट होकर के जाओ शिविर में लॉन्चिंग पैड। कुछ इनाम